दोस्तों LIC IPO आज से ओपन हो रहा है। आज की तारीख है 4 मई 2022। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में यही है कि क्या हमें LIC IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल्स और क्या लॉन्ग टर्म में हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आप में से कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि LIC IPO में क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या इसके GMPs हैं और आने वाले समय में क्या स्कोप है इसमें इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे इन्हीं के अराउंड और देखेंगे कि क्या हम LIC IPO में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमें ये समझना कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस सेगमेंट क्या है, अगले 10-15-20 सालों में स्कोप क्या है ओवरऑल ग्रोथ का। तो हम LIC की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, राइट। तो हमें ये समझना होगा कि और कौन सी कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, क्या इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर मार्केट लीडर्स है तो कितना परसेंट शेयर ये होल्ड करती है ओवरऑल इसके मार्केट सेगमेंट का। अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है तो ऑब्वियसली जो कंपनियां मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती हैं, जो कंपनियां मोटो इकोनॉमी होल्ड करती हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करके हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन और कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि हमें समझनी होती है एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये डिसाइड करने से पहले कि वाकई में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या इसके बारे में हवा बनाया जा रहा है, इसकी न्यूज़ आ रही है, नॉइज़ क्रिएट की जा रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कंपनी करती क्या है। तो LIC की बात करें तो आपने कोलगेट का नाम तो सुना ही होगा, आई एम श्योर आपने जेरोक्स का नाम सुना होगा, आपने डाल्टा का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स सिनोनिम बन के रह जाते हैं आने वाले समय के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए। अगर हम डाल्टा की बात करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करिए, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करिए, बट आपके दिमाग से यही निकलता है कि मुझे डाल्टा चाहिए क्योंकि इस कंपनी ने एक सिनोनिम सेट कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। आप फोटोकॉपी कराने जाइए तो आप कहते हैं भाई जेरोक्स कर दो, जेरोक्स कंपनी ने फोटोकॉपी के लिए एक सिनोनिम सेट कर दिया। ऐसे ही LIC कोई भी कहता है भाई LIC करवा लो, कोई ये नहीं कहता है इंश्योरेंस करवा लो। तो कहने का मतलब ये कि ये पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में LIC एक ऐसी कंपनी है जिसने कि एक सिनोनिम सेट किया है अपने बिजनेस सेगमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए क्योंकि ये एक भरोसा दिलाती है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को कि हाँ इस कंपनी में दम है, इस प्रोडक्ट सेगमेंट में दम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट सेगमेंट है हम कहें तो यहाँ पे LIC एक सिनोनिम है अपने ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट के लिए और साथ ही साथ ये कंपनी जो है लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है अपने सेगमेंट पे, लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया और 5th लार्जेस्ट ग्लोबली इंश्योरेंस बाय GWP यानी कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो ये लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, 5वें नंबर पे आती है। तो हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स की कैटेगरी में आती है। हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कोई कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में लीडर है, नंबर 1, नंबर 2, एटलीस्ट नंबर 3 तक आती है, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा ऑप्शन रहता है कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, होल्ड करें, हमें रिटर्न्स मिलते के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों हम में से मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारी पोर्टफोलियो में वो अच्छे स्टॉक्स नहीं आ पाते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न्स दे सके। ये भी हो सकता है कि हमें शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं है जिसके चलते हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेना पड़े, लेकिन ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज काफी कॉस्टली होती हैं। ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देता है आपको तेजी मंदी से आप सही स्टॉक्स चुन सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तेजी मंदी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म है जो आपको सही स्टॉक चुनने में मदद करती है और साथ ही साथ आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करने में भी मदद करती है। आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ तेजी मंदी ऐप पर जुड़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपकी पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद करते हैं जहाँ पर आप 15 से 20 स्टॉक की एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ समय समय पर रीबैलेंसिंग करने में भी मदद करते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई स्टॉक नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक हो जाता है तो उस केस में उस नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक को हटाकर एक ऐसा स्टॉक ऐड किया जाता है आपकी पोर्टफोलियो में जिसमें कि बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो। तेजी मंदी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर फर्म है और साथ ही साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फाउंडर एंड फंड मैनेजर है मिस्टर वैभव अग्रवाल, तो हम इस नाम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज रिटर्न्स इनका ओवरऑल एनुअली 50% के आसपास रहा है
और यहाँ पर हम 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तेजी मंदी पर जुड़ने के लिए एक सिंपल केवाईसी प्रोसेस है। यहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वीकली अपडेट्स भी मिलते रहते हैं आपके इन्वेस्टेड स्टॉक्स पर। तो आप भी जुड़ सकते हैं तेजी मंदी के साथ और एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स और डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। दोस्तों, तेजी मंदी की एडवाइजरी फीस मात्र 149 रुपए है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की फीस से काफी कम है और ये काफी अफोर्डेबल भी है, तो हम इसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इस पर्टिकुलर LIC की। तो आप ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं IPO है 4 मई से 9 मई 2022 के बीच में, यानी कि 4 मई से 9 मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं इस IPO के लिए। बहुत बड़ा IPO, जनरली 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, बट यहाँ पे 5-6 दिन का टाइम दिया गया है ताकि ये इंश्योर हो सके कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 10 रुपए की रखी गई है। आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट हो सकता है इसका, और साथ ही साथ 902 रुपए से 949 रुपए का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। 902 रुपए से 949 रुपए के बीच में आप बिडिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर IPO के लिए। मिनिमम 15 शेयर्स की आपको बिडिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे। और रिटेल डिस्काउंट यहाँ पे 45 रुपए का, एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे 45 रुपए का, यानी कि एम्प्लॉय और रिटेल में यहाँ पे फ़र्क नहीं रखा गया, और 45 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया इस पर्टिकुलर LIC IPO के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो NSE और BSE में दोनों में लिस्ट होगी। आप चाहे NSE से बाय करिए, चाहे BSE से बाय करिए, आप चाहे NSE में सेल करिए, चाहे BSE में सेल करिए, आप अक्रॉस NSE BSE बाय या सेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को जब ये लिस्ट हो जाएगा NSE और BSE में। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग डेट है 4 मई 2022 है, ओपनिंग डेट 4 मई 2022, 9 मई 2022 तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 मई को, और अगर अलॉटमेंट नहीं होता है आपको तो आपका इनिशिएशन होगा रिफंड्स का 13 मई को। आपके डीमैट अकाउंट में 16 मई को शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, और 17 मई वो डेट है जब ये ग्रैंड LIC IPO लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में, यानी कि इसकी ट्रेडिंग 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 10 बजे के बाद हम भी इसको ओपन मार्केट में बाई या सेल कर सकते हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसका IPO जब लिस्ट होता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लिस्टिंग डे पे। तो ये समझने के लिए हमें फंडामेंटल समझने चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी कंपनी के हम फंडामेंटल समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है या नहीं, और बेस्ड ऑन दैट हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके। ठीक, और लिस्टिंग डे पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको जानने के लिए हमें करंट वैल्यूएशन के साथ ही साथ GMP भी जानना चाहिए, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है इसका। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, तो सिंस ये IPO ही अपने आप में एक बहुत बड़ा IPO है, तो हम यहाँ पे कोई बहुत बड़े लिस्टिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 15-20-25 या बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिचुएशन आपको उस दिन आपको ओपनिंग प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको पॉलिसी होल्डर्स की भी ले डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि भाई डिस्काउंट अगर एग्जिस्टिंग होल्डर्स पॉलिसी होल्डर्स को मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, तो क्यों ना मुझे भी मिले। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको 15-20% या 30-35% के बीच में पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो करेंटली जो है प्री इशू जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो है 100%, शेयर होल्डिंग हो जाएगी यहाँ पे प्रमोटर्स की 96%। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 96% प्रमोटर शेयर होल्डिंग इनको आने वाले समय में घटा के करनी पड़ेगी 70-75%। आई थिंक 75% करेंटली है, जो कि सेवी का नाम से है। तो आप यहाँ पे क्लियरली ये स्ट्रैटेजी समझिए, आपको ये समझना होगा कि अगर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हैं तो शेयर प्राइसेस में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, राइट? तो ये अगर बात समझते हैं आप, तो आप पेशेंस के साथ इंतज़ार कर सकते हैं एक फेयर प्राइस का, एक अच्छे वैल्यूएशन का इसमें, ना कि आप ट्रैप में फंसे कि भाई इसको करंट प्राइस में बाय कर लो FOMO के तहत, क्या पता ट्रेन मिस हो जाए, क्या पता हमें आने वाले समय में ये स्टॉक ही ना मिले। तो ये सब बातें समझ के आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आई थिंक अब आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए ओवरऑल। तो यहाँ पे जहाँ तक रही बात HNI के लिए 949 का यहाँ पे शेयर प्राइस सेट किया गया, रिटेल के लिए यहाँ पे 904 रुपए का शेयर प्राइस आफ्टर 45 रुपीज़ डिस्काउंट, एम्प्लॉय के लिए 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए यहाँ पे 60 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि 889 रुपए का बिडिंग कर सकते हैं
जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि डिस्काउंट ऑलरेडी दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर्स को और रिटेलर्स को। और जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात करें ओवरऑल, नो डाउट इसके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी में हमें काफ़ी रिडक्शन, ह्यूज रिडक्शन देखने को मिला है। अब ये रिड्यूसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे पीयर्स हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पे बजाज फिनसर्व लिमिटेड है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में ऑलरेडी मार्केट प्लेयर्स हैं। हालांकि जो पर्टिकुलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है वो LIC है, बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले समय में इसके शेयर प्राइसेस में ओवरऑल रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है, प्राइसेस गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं तो नो डाउट इसमें एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। बट आपको 50x, 100x या 500x मल्टीपल अगर मिलने की अपॉर्चुनिटी इसमें नियर टर्म्स में कम दिखाई दे रही है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि LIC IPO है क्या और इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या है और इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर की किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था कि आप इसमें अप्लाई करिए या ना करिए, हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि आप सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें स्टॉक मार्केट में। दोस्तों तेजी मंदी की एडवाइजरी फीस मात्र 149 रुपये है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की फीस से काफ़ी कम है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो हम इसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं।